19 साल के सिंगर अब्दुल रोजिक इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिसकी वजह है उनकी क्यूटनेस। आज अब्दुल जहां भी जाते हैं लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अब्दुल को लोग ताने देते थे कि तुम्हें तो भगवान ने गलती से पैदा कर दिया। चलिए आज के इस पैकेज में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अब्दुल की हाइट नहीं बढ़ी और उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या सहा। तजाकिस्तान के रहने वाले अब्दुल पेशे से सिंगर, ब्लॉगर और बॉक्सर हैं। वो ताजिक रैप सॉन्ग ओ दिल जोर के लिए काफी फेमस है। अब्दुल वैसे तो 19 साल के हैं, लेकिन उनकी हाइट सिर्फ 3.5 फीट है। बीमारी की वजह से अब्दुल की हाइट नहीं बढ़ पाई। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल रोजिक की ग्रोथ हार्मोन की कमी और रिकेट्स की वजह से नहीं बढ़ पाई। 5 साल की उम्र के बाद अब्दुल की हाइट नहीं बढ़ी। कम हाइट की वजह से अब्दुल को बहुत कुछ झेलना पड़ा। अब्दुल का कहना है कि जब वो बच्चे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें बहुत तंग किया जाता था, हाइट की वजह से मजाक उड़ाया जाता था, इसी वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। अब्दुल के मुताबिक टीचर्स ने उन्हें किताबें और स्टेशनरी नहीं दी क्योंकि उन्हें लगा कि उसे कुछ भी पढ़ाना समय की बर्बादी होगी। यही नहीं, स्कूल से घर जाते समय उसके क्लासमेट्स उन्हें पीटते थे। इन सब से अब्दुल तंग आ गए थे और हमेशा ये सोचते थे कि अब उनकी लाइफ का क्या होगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली में अकेले ही थे कमाने वाले। उनकी फैमिली के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कोई साधन नहीं था। अब्दुल का कहना है कि जिस बीमारी से वो जूझ रहे हैं उसका कोई इलाज भी नहीं है। स्कूल से शिक्षा न मिलने पर अब्दुल ने घर में ही अपने धुनों को गुनगुनाना शुरू किया। यही नहीं, वो गाने भी लिखने लगे और घर में ही पढ़ने लगे। बिग बॉस प्रीमियर पर अब्दुल ने कहा, मैं एक्साइटेड और घबराया हुआ दोनों हूँ, लेकिन मैं बिग बॉस 16 के साथ अपने जीवन के अगले अध्याय को शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। छोटा और छोटा होना मेरी एक बाधा है। लोग इसे मेरी योग्यता को हमेशा कम आंकते हैं। लोगों ने हमेशा मुझे भगवान की दुर्भाग्यपूर्ण संतान के रूप में बुरा भला कहा है। लोगों ने कहा कि भगवान ने मुझे गलती से पैदा किया, बचपन में मेरी विकलांगता के लिए मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन अब देखो मैं आज कहाँ पहुँच गया हूँ। एक वक्त में अब्दुल ने इतनी गरीबी देखी कि उनके घर से पानी टपकता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे घर को ठीक करवाने के लिए। अब्दुल ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए कहा, हमारे पास रहने के लिए पहले एक अच्छा घर भी नहीं था, घर की छत से पानी टपकता था। फाइनली पहचान बनने के बाद मुझे काम मिलना शुरू हुआ और मैंने अच्छी कमाई करनी शुरू कर दी। इसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा घर खरीदा। अब्दुल सड़कों पर गाना गाते थे, लेकिन फिर उनके हुनर को किसी ने पहचाना और उन्हें काम मिला। अब्दुल ने कहा कि 17 साल की उम्र तक वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए तजाकिस्तान के सड़कों पर घूम घूम कर गाना गाते थे, लेकिन उनकी कला को संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार ने देखा और यास्मीन साफिया ने उन्हें मौका दिया। यास्मीन साफिया ने अब्दुल को अपनी कला को निखारने का मौका दिया और वो दुबई शिफ्ट हो गए। बस इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। अब्दुल आज जिस मुकाम पर है उसका सारा श्रेय वो IFCM के CEO और संस्थापक यास्मीन साफिया को देते हैं। अब्दुल रोजी कहते हैं, दुबई में यास्मीन साफिया ने मुझे हिंदी और अंग्रेजी के लिए कोचिंग सेंटर में भेजा, मेरे संगीत, खेल, अभिनय और सलाह देने के लिए एक अलग क्लास लगवाई, जिसकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बन पाया हूँ। आगे अब्दुल रोजिक ने कहा, उन्होंने मुझे खुद पर विश्वास दिलाया और यहाँ तक कि मुझे अलग अलग भाषाओं को गिनना और समझना सिखाया, क्योंकि मुझे अतीत में बुरी तरह से धोखा दिया गया था। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेरी हालत एक आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं, जैसा कि मुझे हमेशा बताया गया कि मैं गलती से इस दुनिया में आया हूँ। उस आत्मविश्वास के साथ मैं आज यहाँ दिमाग और आत्मा दोनों के साथ खड़ा हूँ और मुझे अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। पिछले 2 सालों में अब्दुल की किस्मत पलटी और अब वो नामी सिंगर बने। अब्दुल एयर रहमान, ब्रेडोन, फ्रेंच मेंटोना और विलाई AM के साथ परफॉर्म कर चुके हैं। अब्दुल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और लोग उन्हें खूब प्यार भी करते हैं। आपको अब्दुल की संघर्ष भरी कहानी कैसी लगी हमें